गाइज, ये हमारे एक्सपर्स का आ चुका है मैकेनिक्स का टॉप रैक और अभी हम इसको अनबॉक्सिंग करने वाले हैं और फिर इंस्टॉल भी करेंगे। सो देखते हैं अंदर क्या क्या आया हुआ है। ये एक ब्रोशर मिला है अपने को मैकेनिक्स का, तो ब्रांडिंग है, थैंक यू वैंक यू लिखा गया है, वो बाद में देखते। ये है अपना टॉप रैक जो कि मस्त फिनिश होके आया हुआ है और इसके अंदर कुछ तो नट्स एंड एक्स्ट्रा असेंबली दी हुई है। सो करते इसको अनरैप एंड सीधा करेंगे बाइक पे इंस्टॉल। तो गाइस, फाइनली अनरैप कर दिया है ये टॉप रैक मैकेनिक्स का और बढ़िया फिट एंड फिनिश है, बट इधर थोड़ा सा हल्का सा अप एंड डाउन है, पर ठीक है, इतना तो चल सकता है। ये एज प्रॉपर वी शेप में आके ज्वाइन नहीं हुई है और इधर भी थोड़ा सा डेंट है, पर उससे कुछ फिटिंग में परेशानी नहीं आने वाली है। ऐसे होल्स दिए गए हैं और ये नट है और एलिंग की नट है और ये एक्सटेंशन है जिसके वजह से ये फिट होगा। तो अभी जल्दी से जाके इसको अपने बाइक पे माउंट कर लेते हैं। सो गाइज, एक स्क्रू ओपन नहीं हो रहा था, सो अपन अपने कंपनी में आ गए और अपना टूल बॉक्स लिया और वही जो स्क्रू है ये वाला, उसने अपने को काफ़ी परेशान किया है, पर अभी अपन उसको ओपन करेंगे अपने टूल से और इंस्टॉल करेंगे अपना टॉप रैक। सो गाइज, फाइनली ये छोटी प्लेट अभी अपन रिमूव करेंगे और इस जगह पे लगाएंगे बड़ी प्लेट। सो गाइज, इस प्लेट के नीचे इसके ऊपर सीधा अपना फिट हो सकता है टॉप रैक, पर अपन सपोर्ट के लिए और एक्स्ट्रा सेफ्टी के लिए इसको रख रहे हैं और फिर इसके ऊपर ये जो स्पेसर्स है, ये स्पेसर्स लगा के एलेंकी से अपना टॉप रैक टाइट करने वाले हैं। अपना टॉप रैक है और इस प्रकार स्पेसर्स रखे गए हैं और अब इसके होल अपन इसके ऊपर मैच करेंगे कुछ इस तरह। जिससे कि अपना टॉप रैक ऐसा इंस्टॉल हो जाएगा। सो जल्दी से स्क्रू टाइट करते हैं और आपको मिलते हैं। कुछ इस तरह इंस्टॉल हो रहा है। से दिखाते हैं, ऐसे चार स्पेसर के ऊपर ये टॉप बॉक्स फिक्स हुआ है और बढ़िया लुक निकल के आ रहा है अपने बाइक का। और गाइस, फाइनली ये रबर्स भी पर लूज लग रहे हैं, लग रहा है ये रबर नए लेने पड़ेंगे। फिलहाल तो इन रबरों को इसके लिए निकाल के रखते हैं। हे गाइस, फाइनली अपने गाड़ी पे टॉप रैक भी फिक्स हो चुका है और अपन ने अपनी गॉड्स की टैंक बैग से जालिम मैग्नेटिक बैग में कन्वर्ट कर दिया है और अपना सेटअप रेडी है राइड के लिए। इधर अपनी टेल बैग लगेगी और आगे टैंक बैग है, उसमें अपना ड्रोन कैमरा और एक्स्ट्रा बैटरीज और ग्लोव्स आ जाएंगे और बाकी पीछे अपने बाकी के इक्विपमेंट्स, लैपटॉप या जो भी है सामान वो आ जाएगा। बाकी अपने बाइक का लुक कैसे अभी हो गया है, उस दिन का व्लॉग कंटिन्यू करते हैं। ये टॉप रैक तो अपन ने लगा दिया है, पर जब पीछे का पर्सन बैठ जाता है तो उसको इसकी जो एजेस है ये लगती है राइड करते हुए, अनलेस वो एकदम ही पतला सा रहेगा तो आगे एडजस्ट हो जाता है। और ये सिटिंग प्रोडक्ट भी अपना आ गया है, स्टैंड एक्सटेंशन अपने इंस्टॉल कर दिया है, काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है बीच पे भी।
ऐसी कुछ नहीं, बढ़िया सनराइज हुई है। मॉर्निंग वॉक करके हम आ चुके हैं और अभी एक यहाँ के ट्रेल्स पे जाएंगे, छोटा सा ट्रेल्स का ऑफ रोडिंग करके घर पे पहुँचेंगे।